पापा। हाँ बेटा। मैं नहीं पहचानती। और मैं आपको भी नहीं पहचानती। आप वक्त को पलट नहीं सकते पापा। मुझे वो वक्त चाहिए जब साची मुझे देखकर खुश हो जाती थी। वो वक्त चाहिए पापा जब कम से कम मुझे पहचानती तो थी। बेटा, बीते हुए वक्त को कोई कैसे वापस ला सकता है? Excuse me. आप सबको डॉक्टर ने अंदर बुलाया। जी देखिए, जो टेस्ट हमने किए थे उसे कंफर्म हो गया है कि साची को इंटेरोगेट और पार्शियल एमनेशिया हो गया है। एमनेशिया? लेकिन उसने मामा जी को तो पहचान लिया था। इसीलिए तो इसे पार्शियल एमनेशिया कहते हैं। पार्शियल एमनेशिया यानी कि उसे कुछ चीजें याद हैं और कुछ चीजें नहीं। नहीं, उसे बाकी सब कुछ याद है लेकिन एक समय के बाद उसकी सारी याददाश्त साफ हो चुकी है। देखिए, उसे बचपन की यादें उसकी बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन एक समय के बाद, एक साल, दो साल या तीन साल पहले जो कोई भी उसकी जिंदगी में आया, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसको बिल्कुल याद नहीं। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि उसे ये भी याद नहीं होगा कि ये सन 2011 चल रहा है। आपका मतलब है डॉक्टर साहब कि हो सकता है कि वो अभी आज की तारीख में सन 2008 या 2009 में जी रही हो, जिस वक्त वो हमसे मिली भी नहीं थी। जी बिल्कुल सही। ऑपरेशन ये नहीं हो सकता। साची मुझे नहीं भूल सकती। तुम जैसे लड़के के साथ किसी भी लड़की की शादी होना तो भूलना ही चाहेगी। इंसान अपने साथ हुए बुरे हादसों को भूलना ही चाहता है। साची हमारी शादी से बहुत खुश थी। मेरे साथ बहुत खुश थी। मुझे कभी भूल नहीं सकती। वो जब सो के उठेगी तो उसे सब याद आ जाएगा। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड मिस्टर श्रवण। क्या आप बता सकते हैं कि उठने के बाद आपको सपने में क्या क्या हुआ याद रहता है, या आपके आसपास क्या हुआ आपको याद रहता है? सोते हुए क्या हुआ था ये कैसे याद रहेगा? बस ऐसे ही समझ लीजिए कि साची का दिमाग सो चुका है। सोने से पहले की सारी चीजें उसे याद हैं, लेकिन सोने के बाद सब कुछ एक सपने जैसा है और आंखें खुलने के बाद सपने हमेशा याद नहीं रहते। डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा, कहीं तो होगा। दिल्ली, मुंबई या दुनिया के किसी भी कोने में, मतलब हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। कितना भी पैसा खर्च हो, मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। देखिए मिस्टर जायसवाल, साची के इलाज में इस वक्त पैसे की नहीं, समय की जरूरत है। समय, अपनों का साथ और प्यार, आई एम श्योर एक दिन वो ठीक हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर? कुछ दिन, कुछ सप्ताह, कुछ साल, और शायद कभी भी नहीं। कभी नहीं? मे बी। पर अगर हम उसे वो सब बातें याद दिलाएं जो पहले हुई हैं, उन सब जगहों पर लेकर जाएं जहां वो पहले गई है, तो याद आ सकता है ना? हाँ, कोशिश कर सकते हैं लेकिन बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि उनके दिमाग पे चोट लगी है और दिमाग पर हम ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, इसलिए हमें उसे अननेसेसरी प्रेशर से बचाना है। उसे जो चीजें याद नहीं है उसे याद दिलाने की कोशिश भी मत कीजिए। मिस्टर श्रवण, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्हें ये याद नहीं है कि आपकी शादी उनसे हुई है, तो आप उन्हें बिल्कुल याद ना दिलाएं कि आप उनके पति हैं। लेकिन मैं हूं डॉक्टर। यू आर राइट मिस्टर श्रवण, लेकिन उन्हें तो यही लगेगा ना कि वो जिस आदमी को जानती नहीं वो जबरदस्ती अपने आप को उनके ऊपर थोप रहा है। एंड आई एम श्योर कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे नफरत करने लगे। नफरत? नफरत? तो वैसे भी नफरत के ही काबिल हो।
और आप इस तरह उनके सामने लड़िए भी, ये सब देखना भी उसके लिए ठीक नहीं। डॉक्टर साहब, मैं उसे इन लोगों से बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ। आप बस ये बताइए वो यहाँ से कब डिस्चार्ज हो सकती है। देखिए, उनके दिमाग के साथ साथ उनकी फसलियों में भी चोट आई। अभी उनके इलाज के लिए हमें कुछ दिन उन्हें यहाँ रोकना पड़ेगा, उसके बाद आप उन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन आपको बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। उन्हें हमेशा मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है। छोटी सी गलती से उनके दिमाग पर प्रेशर बढ़ सकता है और उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। उनकी याददाश्त हमेशा के लिए जा सकती है, शायद शायद उनकी जान भी। जान भी। ये सब मेरी वजह से हुआ नहीं। नताशा, ऐसा मत सोचो, साची बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। देखना, इन दोनों का प्यार और ज्यादा गहरा हो जाएगा। तुमने देखा इस हादसे का श्रवण पर कितना ज्यादा असर पड़ा है? शायद अब उसे एहसास हुआ है कि वो साची को कितना चाहता है, कितना प्यार करता है उससे। पता है नताशा, जब हमारे पास कोई होता है ना तो हमें उसकी कदर नहीं होती, पर जब वो हमसे दूर चला जाता है तब हमें एहसास होता है कि वो हमारे लिए क्या है। पर उसे तो कुछ भी याद नहीं है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार चोट लगने से ऐसा होता है नताशा, पर ये इनके प्यार का इम्तिहान है। हम उन लोगों के लिए और तो कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना जरूर कर सकते। श्रवण जी उठेंगे या सोते रहेंगे? तुम मुझे पहचानती हो? अपने पति को नहीं पहचानूंगी। तुम भूल गई थी ना मुझे? लेकिन श्रवण जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? क्या हो गया आपको? तो तुम्हें हमारी शादी याद है? वो दिन तो मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था श्रवण जी, उसे कैसे भूल सकती हूँ। वो दिन याद है जब मैं गैराज में रहता था और छुप छुप के तुमसे मिलने आता था? वो भी याद है मुझे, कैसे आप मुझसे मिलने आते थे और मैं कहती थी बड़ी जाइए श्रवण जी, पापा आ जाएंगे, और आप क्या कहते थे? थोड़ी देर और साची। और जब हम घर से भाग गए थे वो दिन? कैसे भागे थे आप मुझे लेके श्रवण जी? पहले पता मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्यों लेके कहा, मतलब बाद में समझ आया तो घर वाले पीछे थे और आपकी बाइक भी स्टार्ट की हुई थी। अरे तुम्हें तो सब याद आ गया यार, और बाद में वो पुलिस ने हमें पकड़ लिया था। कैसे भूखे प्यासे श्रवण जी हम भटक रहे थे जंगलों में। ओहो, तुम मुझे इंस्पेक्टर बन के बचाने आई थी। और फिर हम कोरियोग्राफर बन के कैसे नीलम के घर चले गए थे, वहां भी सबने हमें चोर समझ लिया। सब याद है श्रवण जी। वैसे मुझे ये भी याद है कि कैसे आप स्विमिंग पूल में फिसले थे उस लड़की के पीछे। मैं नहीं, मेरा दिमाग फिसल गया था जो मैंने उस लड़की को पैसे दे दिए।
और फिर हमारा झगड़ा हो गया शमन जी, फिर तुम चली गई साची, मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती श्रवण जी, मैं वापस आ गई हूं ना, अब मुझे सब याद है। मैं आपके साथ थी और हमेशा रहूंगी। वो तुम मुझे पहचान नहीं रही थी, वो तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, वो सब एक सपना था क्या? श्रवण पापा साची ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो सब एक सपना था। नहीं बेटा, जो तुमने अभी अभी देखा वो एक सपना था। साची की हालत अभी भी वैसे ठीक नहीं है बेटा, वो देखो। जी आपने मुझे कहा था आप मुझे घर लेके जाएंगे, पर आप तो व्हील चेयर पे घुमा रहे हैं मुझे। बेटा बचपन में ना मैं तुझे प्रेम में ऐसे ही घुमाया करता था, सोचा पुरानी यादें ताजा कर लो। लेकिन मुझे घर जाना है मामा जी। बेटा बस कुछ दिन और। क्यों मामा जी, मुझे घर की बहुत याद आ रही है, नानी बाबू मामी श्रेया भैया भाभी सबकी बहुत याद आ रही है। ऐसी बात है तो मैं उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ ना। पर क्यों मामा जी, तुम क्यों नहीं जा सकते घर? क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि तुम इतने जल्दी कैसे ठीक हो रही हो, तुम्हें स्टडी करना चाहते हैं। तो छुपा रहे हैं ना? यहाँ के डॉक्टर से अपनी बीमारियां छुपा रहा हूँ, कहीं मुझे भी एडमिट ना कर ले। बेटा तुम रो रहे, साची को हंसते हुए देखकर तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। नहीं मैं खुश हूं पापा। बेटा तुझे हमेशा खुश देखा है मैंने, तुझे इतना दुखी देखा नहीं जाता। अरे मैं सच कह रहा हूं पापा, मैं खुश हूं। बेटा कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि साची तेरे बिना ही जिंदगी में खुश रह सकती है? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। मुझे आज पता चला कि तू साची से कितना प्यार करता है, तू उसे खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे आज पता चला है बेटा। बेटा मुझे पूरा यकीन है कि साची को जल्दी सब कुछ याद आ जाए और तुम दोनों का प्यार भरा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। आपको ऐसा लगता है पापा? हाँ बेटा हाँ, बिल्कुल लगता है। साची हमेशा यूं ही हंसती रहे पापा, मैं तो बस यही चाहता हूं। अब ये भी समझ गया हूं कि जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, प्यार को जिंदा रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। साची के साथ हुए झगड़े ने मुझे बहुत कुछ सिखाया पापा, अब मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, मेहनत करूंगा। आप और साची जैसा चाहते हैं वैसा पति वैसा बेटा बनके दिखाऊंगा। पता है बेटा, जब तू घर से गया था तो मुझे लगता था कि तू
बहुत गैर जिम्मेदार है, बड़ा होने के बावजूद भी बच्चा ही रहा। लेकिन आज आज मैं एक नए श्रवण से मिल रहा हूं। आज मुझे लग रहा है कि आखिरकार मेरा बेटा बड़ा हो ही गया।